रूस यूक्रेन महायुद्ध की तरफ रुख करेंगे, जहां रूस ने कीव पर जुलाई की शुरुआत में ही बहुत बड़ा हमला किया। पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई मिसाइलों से हमले किए जो रात भर होते रहे। कीव पर यह हमला 12 दिन के ब्रेक के बाद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। रात भर कीव में हवाई हमलों का ये पूरा सायरन बजता ही रहा। कई जगह पर बड़े नुकसान होने की खबर भी मिल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। और बताया ये गया कि आधी रात कीव में रूस का ये बहुत बड़ा हमला। बारह घंटे 24 घंटे 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणु युद्ध होने वाला है? अमेरिका की परमाणु मिसाइल रूस की धरती से महज 3000 किलोमीटर दूरी तक पहुंच गई है। अमेरिका की परमाणु मिसाइल रूस के इतने करीब होने का क्या मतलब है? अमेरिका की पनडुब्बी यूएसएस मिशिगन बरसों बाद दक्षिण कोरिया पहुंच गई है। इसके यहां पहुंचने का वीडियो क्रेमलिन में फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा है। पुतिन के इनर सर्किल में इस वीडियो को फॉरवर्ड करके देखा जा रहा है, रिवाइंड करके देखा जा रहा है। साथ ही साथ दक्षिण कोरिया के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट गरज रहे हैं, धरती पर बारूद बरसा रहे हैं। विस्फोट की गूंज रूस तक सुनाई दे रही है। सवाल है, क्या बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने वाला है? क्या ब्रिटेन में सुनक लास्ट रिजोर्ट लेटर खोलने वाले हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट लेटर खोलने का नौबत आ जाए, तो यह परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। इन दोनों में से अगर एक भी हकीकत बन जाए तो परमाणु बम का बटन दब जाएगा। दुनिया में रेडिएशन वॉर छिड़ जाएगी। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाणु बम से खाक में मिलाने के लिए निकल जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन की मिसाइल से ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल निकलेगी, दुश्मन में परमाणु तबाही लाएगी। बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होने वाला है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा इशारा किया है। их много, я потом вам скажу этих об этих соображениях. Да, вам скажу пока не публично. Вот. Но такая возможность есть, все это понимают. Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Нет такой необходимости. अपने इस बयान में जो कुछ पुतिन ने नहीं बताया, उसे रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने पूरा कर दिया। मारिया ज़ाखारोवा का कहना है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, खुद को बचाने के लिए रूस परमाणु युद्ध छेड़ सकता है, विकट परिस्थितियों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जरूर होगा।
रूस के समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूस की परमाणु नीति रक्षात्मक है, लेकिन मुश्किल वक्त में रूस पहले भी परमाणु हमला बोल सकता है। Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных. रूस को अंदेशा तो इस बात का भी है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार भी मिल सकते हैं। पुतिन के बेहद करीबियों में शुमार और रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह चुके दिमित्री मेदवेदेव ने दो टूक कहा है कि अगर पश्चिम के देशों ने यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए तो रूस बिना सोचे सबसे पहले परमाणु हमला करेगा, तब परमाणु विश्व युद्ध को टालना नामुमकिन होगा। पश्चिम के देश पुतिन को कम आंकने की गलती नहीं करेंगे। मेदवेदेव ने ये बातें वियतनाम दौरे के दौरान कही। गौर करने वाली बात यह भी है कि वियतनाम वो देश है जहां अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था, पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। ऐसे में मुमकिन है कि मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को धमकाने के लिए कूटनीतिक लिहाज से अहम वियतनाम को जानबूझकर चुना हो। द्विदेव ने पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को सीधे और सख्त लहजे में कहा कि वो इस मुगालते में ना रहे कि पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं दबाएंगे। मतलब सीधा है कि परमाणु वॉरहेड के साथ रूस की मिसाइल कभी भी यूक्रेन पर गिर सकती हैं। मेदवेदेव रूस के कोई आम शख्स नहीं है, वो पुतिन के अलावा रूस की इकलौती जिंदा शख्सियत है जिनकी उंगली रूस के परमाणु बटन पर रह चुकी है। पुतिन को करीबी से जानने वाले और रूस के एक पूर्व केजीबी जासूस ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। पूर्व केजीबी जासूस की चेतावनी के मुताबिक अमेरिका का व्हाइट हाउस, लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं। दावे के मुताबिक यहां पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के एक पूर्व केजीबी जासूस जैक बार्सकी ने गंभीर चेतावनी दी है। जैक बार्सकी का दावा है कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच दुनिया खतरनाक समय का सामना कर रही है और खतरा पहले से कहीं अधिक और बड़ा हो सकता है। जैक बार्सकी उसी केजीबी के जासूस रह चुके हैं जिसके पुतिन भी जासूस थे। बार्सकी अभी अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में ही वो केजीबी के स्लीपर एजेंट रह चुके हैं। वो रूस के लिए अमेरिका में जासूसी का काम करते थे। जैक बार्सकी साल 1978 से 1988 तक सक्रिय थे। जैक बार्सकी का दावा है कि वो पुतिन का माइंड पढ़ना जानते हैं। ऐसे में पुतिन के परमाणु हमले को लेकर जैक बार्सकी की चेतावनी बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है। आगे बढ़े उसके पहले जैक बार्सकी के दावे को बल देने वाले और परमाणु युद्ध को लेकर रूस से मिले कुछ सिग्नल को जान लीजिए। पुतिन ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160 को बेरेंट सागर के ऊपर उड़ाया है। रूस ने अपने इस न्यूक्लियर बॉम्बर को नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भी उड़ाया है। खबर यह है कि नॉर्डिक देश डेनमार्क ने अपने परमाणु बंकर का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया है। परमाणु बंकर का काम लोगों को परमाणु हमले से बचाना होता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने तीन परमाणु इक्के निकाल लिए हैं। पहला इक्का रक्षा मंत्री सर्गेई शोगू कह चुके हैं कि रूस अपनी परमाणु मिसाइल की पावर को बढ़ाता रहेगा। दूसरा इक्का है रूस सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव ने कह दिया है कि हम विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। और पुतिन का तीसरा इक्का है व्लादिमीर येरमाको। रूस में परमाणु अपसार विभाग के डीजी व्लादिमीर येरमाको ने कह दिया है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। पुतिन की ये तीनों इक्के एटम बम की बात कर रहे हैं। पुतिन की ये तीनों इक्के परमाणु युद्ध की वार्निंग दे रहे हैं। और रूस ने परमाणु युद्ध का ट्रेलर भी दुनिया को दिखा दिया है पुतिन के परमाणु हमले वाले ऑर्डर के बाद।
Уважаемые товарищи. न्यूक्लियर फोर्स का कमांडर ग्रीन सिग्नल देगा, फायरिंग ऑफिसर बटन दबाएगा, आग लगेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगनभेदी शोर गूंज उठेगा, आग और धुएं को चीरकर तूफानी रफ्तार से रूस की परमाणु मिसाइल चल पड़ेगी। ये वो लम्हे होंगे जब पूरी दुनिया खौफ से भर जाएगी। पुतिन के एक इशारे पर गरजती हुई मिसाइलें आसमान को भेदती हुई अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये रूस के परमाणु युद्ध के अभ्यास का वीडियो है। ऐसा कर पुतिन अपनी न्यूक्लियर हथियारों से दुनिया को डराना चाहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को सीधा संदेश देकर पुतिन साफ कर चुके हैं कि रूस को किसी भी कीमत पर झुकाया या डराया नहीं जा सकता। पुतिन के इस बयान से ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। В том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Путин की इस धमकी को पूरी दुनिया बार-बार सुनती है। पुतिन ने अपने भाषण में परमाणु परीक्षण की बात बोल चुके हैं। पुतिन बोल चुके हैं, अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, नेटो को चेतावनी दे चुके हैं, तो परमाणु युद्ध का कई मरतबा जिक्र कर पूरी दुनिया को डरा चुके हैं। Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. सवाल है, दुनिया के सामने परमाणु युद्ध की बात और पर्दे के पीछे रूस के न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने के पीछे पुतिन की क्या रणनीति है? इसे जानने से पहले पुतिन की परमाणु बम के परीक्षण वाले सबसे बड़ी और नई धमकी के मायने समझना जरूरी है। रूस के मुताबिक अब रूस वो करेगा जो पिछले 33 साल में नहीं किया। रूस नए परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। पुतिन की यह धमकी तब और खतरनाक हो जाती है जब यह खबर सामने आती है कि रूस में सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स व्याचेस्लाव सोलोवीवो ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नोवाया ज़मलया में किसी भी वक्त रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। व्याचेस्लाव का ये दावा पुतिन के ही परमाणु धमकी से 100% मेल खाता है। नोवाया ज़मलया परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। नोवाया ज़मलया रूस के उत्तर और यूरोप के पूर्व उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़मलया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़मलया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस ने यहां 132 मरतबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यही रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा। सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने वाला है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर
बड़ा परमाणु हमला है जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं ये उनकी धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चेता चुके हैं, यूक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइलें मिलेंगी रूस खतरे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन का मामला लोकल था, लेकिन अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों ने उसे दुनिया का मसला बना दिया। एक छोटे से युद्ध को परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों के पहुंचने का पुतिन का ऐलान और रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा का परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दी गई चेतावनी बहुत खतरनाक हो जाती है।